It's not your fault and you don't deserve. जब भी घर पे दही जमाना होता है तो सुबह सुबह आके किचन में फर्स्ट थिंग यही चेक करना होता है कि दही अच्छे से जमी कि नहीं, और जब वो जम जाता है तो वो देख के कितनी खुशी मिलती है ना, एक उपलब्धि जैसे आपने प्राप्त कर ली हो। आप लोगों को याद होगा पुराने वाले घर में मैं दही जमाती थी, फिर जॉब स्टार्ट किया तो वो छूट गया, रह गया, इस घर में आके कभी नहीं जमाया। तो फिर से एक दो दिन से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मम्मी के लिए बहुत अच्छा होता है दही, प्रोबायोटिक होता है ना, तो घर वाले दही में टेस्ट भी आता है, वो ज़्यादा हेल्थी भी होता है, बच्चों को भी दही बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका टेस्ट तो अलग ही लेवल का होता है। तो जोरन मैंने अपनी फ्रेंड से ले लिया था। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जैसे पेरेंट्स इंडिया से आते हैं तो वो थोड़ी सी दही लेके आ जाते हैं तो उससे बहुत अच्छे से जम जाती है। तो लास्ट दो दिन से हमने स्टार्ट किया दही जमाना और कल तो मम्मी ने दही से ही पूरी राइस खाई, लंच अच्छे से किया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की सुबह है और अभी तो 8 बज गए बट मैं अराउंड 6:30 उठ गई थी। क्यूश भी उठ गया है, गुड मॉर्निंग। ये शकीश दोनों उठ गए हैं, सबसे पहले जाके दादू दीदा को गुड मॉर्निंग करते हैं, हगी करते हैं, है ना। पापा पापा सो रहे, पापा रात को 2 बजे तक क्या तो देख रहे थे, पंचायत नेटफ्लिक्स पे। मेरी तो हिम्मत नहीं होती है, दिन भर के बाद ना शाम तक मेरी बस हो जाती है तो मैं तो रात को जग के कुछ नहीं देख पाती हूँ, टाइम से सो जाती हूँ। और पापा अपनी ड्यूटी करने आ गए हैं, सुबह की चाय शाम की चाय जरूर बनाते हैं। पापा की कुर्ता बड़ा अच्छा सा लगता है और सिंपल सा होता है ना, ये चाय पानी गर्म करो और चाय पत्ती डालो। समर्स में ये अच्छा होता है ना कि गार्डन से तोड़ के फ्लावर्स दे सकते हैं भगवान जी को, और गेंदे का फूल तो होता ही है, लाइक गेंदे का फूल देख के ही ना पूजा पूजा वाली फीलिंग आ जाती है। मॉर्निंग में ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है ना। और आज स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट बन रहा है और बहुत टाइम बाद मैं मीठा बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ। लाइक शायद महीना हो गया मैंने मीठा नहीं बनाया, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, भगवान जी को भी भोग लगा दूंगी, इसलिए फूल लेने आई थी। और वीकेंड्स में मैं कभी कभी जो इंडिया से कुर्ते मंगवाए थे वो पहन लेती हूँ, अच्छी वाली फीलिंग आती है। जब आप अच्छे से तैयार होते हो तो मन कितना भी दुखी हो आपको अच्छा लगता ही है। और देखो खुशी में तो सभी मुस्कुराते हैं, अगर दुख में भी हम मुस्कुरा पाए तब होती है ना बात। और ये देखो चेरी, ऐसे ट्रांजिशन हुआ ना, पहले फ्लावर्स आए, फिर छोटे छोटे चेरीज निकले, फिर ग्रीन, और अब धीरे धीरे रेड हो रहे हैं। तो चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और पूजा करते हैं। आज देखो मैचिंग मैचिंग गेंदे का फूल और मेरा कुर्ता। तो आज का मेन्यू है आलू पूरी और हलवा। हलवा बनाने का एक रीज़न है, अनुज बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े और वो रीज़न मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो आलू मैंने बॉयल कर लिया था, मम्मी वहाँ पे आलू छील रहे हैं, लिटरली भूल गई हूँ कि सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं। मजाक कर रही हूँ, कोई ऐसे नहीं भूलता है एक बार बनाया हुआ, बट एक्चुअली बहुत लंबा टाइम हो गया है। सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट लो फ्लेम पे, हल्का सा ये ब्राउन कलर आ गया है ना, बस इतना ही। सूजी रोस्ट हो चुका है तो 1 कप सूजी लिया है मैंने, तो उसके लिए 1/2 कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। टोटल रेसिपी में 1/2 कप घी लग ही जाता है, थोड़ा सा घी मैं लास्ट में ऐड करूंगी। तो घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद पहले ड्राई फ्रूट्स हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। काजू और आलमंड, किशमिश भी डालते हैं बट मुझे ना वो सौगी सौगी वाला किशमिश अच्छा नहीं लगता। ड्राई फ्रूट्स डन, अब इसमें सूजी। 1 कप सूजी के लिए ना मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है और इसको पानी में डाल के बस गर्म कर लूंगी, चाशनी नहीं बनानी है, बस घुल जाए चीनी। शुगर सिरप में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, केसर भी डाल सकते हो आप। सूजी में भी बढ़िया सा ब्राउन कलर आ गया है, अब इसमें चाशनी ऐड करते हैं। 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी, तो मैं 2 कप पानी और 1 कप गरम दूध ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे मैंने अराउंड 1 चम्मच घी ऐड किया है। आज जूस की दुकान हमारी खुली और बंद हो गई क्योंकि लेट हो गए।
पहले सोचा बना लेता हूँ, फिर लेट हो रहा है, कुछ कार्ड के काम से जाना है। बाद में खोलेंगे। अच्छा बाद में खोलेंगे, सुबह सुबह आए बोलते हैं आज कुछ स्पेशल है क्या, मैंने कुर्ता पहना है। स्पेशल डे होता नहीं है, बनाना पड़ता है, क्या करें। केला खाओ, केला। फटाफट से आलू की सब्जी बनाते हैं, सबको लगी है बहुत ज्यादा भूख। आटा मैंने गूंद के रख दिया था, आटे में ना सारे मसाले डाल दिए थे क्योंकि मम्मी के लिए नॉर्मल सी रोटी बनाऊंगी, हल्का सा घी डाल के। और सब्जी तो सिंपल ही बना रही हूँ, ये वाली आलू की सब्जी ना खाने में बेस्ट होती है, और मजा इसलिए आता है कि बनाने में भी मस्त होती है, टाइम ही नहीं लगता इसमें जाता है। खूब सारा हींग, हींग का थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी दो ना, तो फिर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें तो टमाटर भी नहीं डालने वाली मैं। हाँ जी, ओके बाय। और वो मूली लेके आए थे ना, तो मूली का साग और ये स्टेम्स काट के मम्मी ने रख दिया है। देखते हैं, छोटी सी भुजिया बना लेंगे आज। आलू बॉईल कर लिया था तो काट के रख दिया है मम्मी ने। अब डालेंगे इसमें खूब सारा हींग, जीरा, सालों से पूरी बना रही हूँ, बट जब भी पूरी फूलती है ना एक अलग सी खुशी होती है, और नहीं फूलती है तो बहुत बुरा लगता है। ईशा ने कमाल कर दिया, चार पूरी ऑलरेडी। नहीं चलो काउंट करके नहीं खाते, बट चलो अच्छा लगा, अच्छी बात है। डैडी आ रहे हैं, मैंने बोला ना कार की अपॉइंटमेंट है, वहां जाके उनको पता चला कि अगस्त में, अभी नहीं। What? मम्मी का पूजा पाठ हो गया, नो पूरी, थोड़ा बस प्रसाद का हलवा। बिंदी फिर टेरी होगी, लास्ट ब्लॉग में भी टेरी होगी, तो मैं टेरी लगाती नहीं हूँ, पता नहीं काम करते करते वो थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। मैंने बच्चा खुचा खेवश ने थोड़ा सा छोड़ दिया था, येशा ने लास्ट में एक पूरी ली थी, ज्यादा हो गई थी वो, वही थोड़ा बहुत खाया, और सब्जी एक कटोरी खा ली मैंने, मेरा तो उसी से पेट भर गया है। खा पी के अभी हम थोड़ा धूप खा रहे हैं, और मम्मी का सूट कितना अच्छा लग रहा है ना, पुरानी साड़ियाँ हो जाती है ना, साड़ियाँ कहाँ पहनी जाती हैं, तो प्योर सिल्क से, प्योर सिल्क का प्रिंट कितना अच्छा होता है ना, ऐसे वाले मौसी का था, तो मौसी और मम्मी ने मिल के फिर बना लिया। कितनी साड़ियाँ हैं, कितनी साड़ियाँ हैं, पूरा एक अलमारी भरा हुआ है। अभी हम लोग बाहर कपड़े टांग देते हैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल से, इतनी अच्छी धूप है ना, सूख जाती है। हाँ, अब हलवा के पीछे क्या स्टोरी थी वो बता दूँ आप लोगों को। एक्चुअली जब से मम्मी पापा आए हैं ना, तो जैसे हम लंच के टाइम पे आते हैं ना, तो हमारा जो लेटर बॉक्स है घर के बाहर ही है, तो उसमें अगर कुछ रखा हुआ है तो पता चल जाता है। तो जिस भी दिन पता चल जाता था कि कोई ऑनवलप रखा हुआ है, तो कार से उतरते ही ना हम बोलते थे मम्मी लोगों का पीआर कार्ड आया होगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब तक पीआर कार्ड नहीं आएगा हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा, तो वो एक टेंशन था काफ़ी। फिर भी बहुत लेट आया, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने वैसे ही ऑनवलप देखा ना, तभी मैंने अनुज को बोला था अगर पीआर कार्ड होगा ना तो मैं आज हलवा बनाऊंगी। तो जिस दिन पीआर कार्ड आया ना, लास्ट वीक ही आया, तो फिर हलवा बनाना रह गया, उस दिन से अनुज बोले जा रहे पीआर कार्ड आ गया, हलवा नहीं बनाया। तो मैंने तभी सोचा था कि वीकेंड में बनाऊंगी, तभी प्रसाद चढ़ा पाऊंगी ना, घर पे रहूं तभी हो पाता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से डेज को स्पेशल बनाना पड़ता है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि पेरेंट्स अगर पीआर पे आते हैं तो फिर क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड ये सब का, तो मुझे बताना। एक दो तो मुझे मैसेज आए थे, तो मैंने उनको पर्सनली रिप्लाई कर दिया था, बट अगर आप लोग जानना चाहते हो, बहुत सारे अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैं अलग से किसी ब्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा लाइक स्ट्रेस था जब तक पीआर कार्ड नहीं आता। वैसे पीआर कार्ड नहीं भी आए तो 60 डेज के बाद टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड नंबर मिल जाता है, कस्टमर केयर में कॉल करके ही मिल जाता है, जो कि 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीआर कार्ड आने में आजकल बहुत टाइम लग रहा है। थैंकफुली हमारा 65 डेज पे आ गया, बट लोगों का 3-4 महीने भी लग जा रहे हैं। गर्मी लग रही है, उसके मज़े ले रहे हैं, पूरा पानी फैला लिया, चारों तरफ पानी से खेल रहे हैं। येशा केयूष ये तो लगे हुए हैं पानी, ये देख इंसेक्ट, ये इसकी लीव्स खा लेता है। हाँ, काफी सारे पालक के ना बीच में होल हो रखे हैं।
कद्दू थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना प्लांट, फिर स्टेम काट के पत्ते काट के इसकी सब्जी बनाएंगे चौकचोरी। अभी थोड़ी देर ऐसे ही नीचे मैट बिछा के हम लेटे हुए हैं। ग्रास को इसे टच करो ना, ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा सा लगता है, बट ध्यान देना पड़ता है, चींटियां और भी दूसरे इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं। हाँ ये रहा चींटी, मन तो कर रहा है कि सो जाओ ये। और इस तरफ ना धूप भी नहीं आ रही है तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। हाँ शेडी स्पॉट में। हाँ आलू निकल गया, रेड आलू। ओहो चलो चलो आज खिचड़ी में पालक आलू मटर सब डाल के खिचड़ी बनाएंगे। ये ले दिखाओ, ये ले। कितने छोटे छोटे हैं ये, बड़े होंगे ना? अभी होंगे वो तो मैंने ऐसे ही मेरे हाथ में एक आ गया तो मैंने उठा लिया। अनुज आलू निकाल रहे और येशा को दे रहे कि चल कैच कर। और बड़ा होगा आलू, लेकिन वही एक्साइटमेंट होती है ना देखने की कि देखे कैसा निकला। हमारे पास ना बहुत सारे जीजी प्लांट हैं छोटे छोटे पॉट्स में, तो मैं कब से यही सोच रही थी कि सारे प्लांट्स को ना एक बड़े से पॉट में डाल देते हैं, मैनेज करना भी इजी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा कि एक साथ हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में जब लिया था एक ही जीजी प्लांट लिया था, उसी से धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते इतने सारे हो गए, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा था, हमने फ्रेंड्स को भी दिया था। इसके वाले रूट्स ना ऐसे बल्ब्स आते हैं इसके, तो ऐसे एक से दो, दो से मल्टीप्लाई होते रहते हैं ये, फिर आप एक करके ऐसे अलग प्लांट करोगे तो उससे और आ जाएंगे। जैसे ये दो हैं इसको आप सेपरेट कर सकते हो। वो अनियन के जैसे बल्ब्स नहीं होते हैं वैसे वाले? हाँ प्लांट्स के बल्ब्स ही होते हैं। वैक्सीन तो होती है। गर्मी लग रही थी ना तेरे को? मस्ती कर रहे हैं ना बाहर ये लोग, पानी से खेल रहे हैं मस्त, और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए बढ़िया है। चलो वाटर पार्क के मज़े बैकयार्ड में ही सही। मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, जो भी लेके आई थी ना गार्डन से, पालक आलू और मटर ये सब डाल के, और मैं मूंग दाल की भी खिचड़ी बनाती हूँ, मसूर दाल की भी, और कभी कभी मूंग और मसूर मिक्स भी कर देती हूँ, तो आज सिर्फ मसूर की बना रही हूँ। मैं आधा कप दाल लेती हूँ, आधा कप चावल, लाइक जितना दाल उतना ही चावल। दाल चावल अच्छे से वॉश कर लिया है और उसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। जब तक खिचड़ी बॉयल हो रहा है मसाला बना लेती हूँ। आज सिर्फ अदरक और प्याज ऐड कर रही हूँ, लहसुन नहीं डाल रही हूँ। वैसे आप अदरक प्याज लहसुन जैसे कोई भी मसाला बनाते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, वैसे ही मसाला बना के और फिर खिचड़ी में ऐड कर दो। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो और भी ज़्यादा गर्म पानी ऐड कर दो, फिर नमक टेस्ट करके और लास्ट में घी और धनिया पत्ती, बस बेस्ट खिचड़ी बन जाती है। और सैटरडे स्पेशल तो हमारा लंच का होता ही है, आप लोगों ने वीकेंड ब्लॉग्स ही मैं करती हूँ मोस्टली, और आप लोग देखती हो कि सैटरडे को तो खिचड़ी ही बनती है। इवनिंग के अराउंड 4:30 हो रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स ने ना गुरुद्वारे में पाठ रखा है, पाठ है और लंगर है, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। तो ये कुर्ता मेरा और केयूष का मोस्टली, मतलब केयूष का किसी ना किसी के साथ तो मैचिंग हो गया। हाँ हमारा तो परफेक्ट मैचिंग हो गया। ये शाने ये व्हाइट वाला सूट पहना, पापा का पुराना ही है, ग्रीन ब्लूइश ब्लैकिश। हाँ हाँ ब्लूइश ब्लैकिश है कलर, गोल्डन देख के ये पगला आ जाता है। सब कोई एकदम अलग अलग कलर में। मम्मी पापा भी जा रहे हैं तो मम्मी जब तक कंफर्टेबल रहेंगे बैठेंगे, अगर अनकंफर्टेबल लगा तो फिर अनुज उनको ड्रॉप कर देंगे। और गुरुद्वारे में सर पे डालना पड़ता है ना, तो येशा का इस वाले सूट के साथ कोई दुपट्टा था नहीं तो मैंने अपना वाला बांधनी दुपट्टा दे दिया। बहुत ज्यादा गर्मी है आज, टेम्परेचर क्या है आता है इसमें? नहीं आता टेम्परेचर, हमारे पुराने वाले कार में आता था। सखेरी आल
अराउंड 8:30 हो गए हैं, मैं मम्मी पापा घर आ गए हैं, लंगर भी था वहाँ पे बहुत अच्छा, लंगर का खाना तो इतना अच्छा होता है ना। और आज मैंने किचन में रोटी भी बनाई, सेवा जो करते हैं, तो रोटी ख़त्म हो गई थी तो सारे मिलके हमने रोटी बनाई, और रोटी बनाने की मशीन थी वहाँ पे, वो सब देख के एकदम बड़ा बड़ा गैस, बड़ा सा तवा, जो तंदूर वाला तवा होता है ना, वैसा वाला। तभी अनुज वहाँ पे किचन क्लीनिंग और वो सब सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे और अनुज वहीं पे हैं, मैं मम्मी पापा को लेके आ गई, क्योंकि मम्मी ने खाना नहीं खाया ना लंगर में, वही मसाले वाली चीज़ें होती हैं, और थोड़ा जल्दी भी था तो उतनी जल्दी मम्मी खा नहीं पाते, तो इसलिए अभी बस मम्मी के लिए रोटी बनानी है। मैंने तो खा लिया, थोड़ा बहुत ही खाया, पर लंगर का खाना हो क्या स्वाद आता है। वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं किया, अच्छा नहीं लगता है ना, मन वहीं पे लगा के रखो, वही सही होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होता तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। बाय बाय। With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.